तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर। देख सकते हैं आप कि हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है और दोस्तों इसका हम आपको डिस्प्ले कॉम्बो जो है चेंज करना बताएंगे, किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसी स्मार्ट वॉच का एक पुराना डिस्प्ले कॉम्बो पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं नीचे रखा हुआ है, और यही आपको इसमें किस तरीके से जो है फिक्स करना है बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से वो आप सीखेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको ये लगा लेना है। तो ये जो जैक लगे हुए हैं, जैक में इस पत्ते को इस तरीके से दोनों को लगाना है। तो इसमें से एक डिस्प्ले का पत्ता है और एक टच का पत्ता है, तो दोनों पत्तों को इस तरीके से सेट कर लेंगे और एक चिमटी की मदद से थोड़ा सा अंदर को प्रेस करेंगे इस तरीके से। जैसे ही ये फिक्स हो जाएगा तो इस जैक के ऊपर ये लॉक लगा होता है जिसको हम प्रेस कर देंगे नीचे को, तो इस तरीके से ये सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको भी अंदर को खिसका देंगे थोड़ा सा, और अंदर को खिसकाने के बाद इसको भी लॉक लगा देंगे। तो ये लॉक हो गया और इसके बाद हमको चाहिए है डिस्प्ले कॉम्बो लगाने वाला जो है ग्लू। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लगा लिया है, टच भी हमारी वर्क कर रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इसका कॉम्बो जो है पहले से टूट गया था तो हमारे पास से पड़ा हुआ था, तो कस्टमर ने हमको बगैर कॉम्बो को दिया था। तो चलिए अभी हम इसको सेट किस तरीके से करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो हमको ये कॉम्बो चिपकाने वाला ग्लू चाहिए, तो ये ग्लू इस तरीके से लगा रहे हैं हम, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको भी लगाना है धीरे धीरे से, चारों साइड लगाना है दोस्तों, तभी अच्छे से लग पाएगा। अगर आप चारों साइड नहीं लगाएंगे तो उसी साइड जो है कमज़ोर रह जाएगा। तो आपको चारों साइड इस तरीके से लगा लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, तो चारों साइड ये लग जाए। इसके बाद इस तरीके से पलट देना, पलटने के बाद कॉम्बो को एक साइड इस तरीके से कर लेंगे और इसके बाद ऊपर भी इसके चारों साइड इस तरीके से ग्लू जो है लगा लेंगे। दोस्तों याद रहे कि ये ग्लू किसी भी तरीके से कॉम्बो के अंदर ना लग पाए, साइड में ही रहे और किसी भी कंपोनेंट में भी ना लगे, ताकि माइक वगैरह में अगर लग जाता है थोड़ा बहुत तो माइक जो है वॉइस कम देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रेस कर दिया इसको, देख सकते हैं। और एक लेंगे रबड़ बैंड, रबड़ बैंड से इसके दो राउंड कस के लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि ये कॉम्बो जब ये घड़ी सूखेगी तो जैसे कि तैसे सेट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से लग भी जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके कॉम्बो को जो है सेट कर सकते हैं। तो इसका कॉम्बो जो है टूट चुका था, इसके बाद हमारे पास बगैर कॉम्बो की जो घड़ी आई थी, और यही वाली घड़ी थी जिसका कॉम्बो हमारे पास पड़ा हुआ था, तो वो हमने इसमें लगा दिया है, देख सकते हैं। इसी मॉडल का कॉम्बो था तो ये वर्क जो है अच्छे से करने लगा है। दोस्तों ये कॉम्बो हमने डाल के आपको दिखाया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।